नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोजाना शहर से हजारों यात्री ट्रेन पकड़ते और उतरते हैं। यहां पिंक एंड ड्रॉप के नाम पर वसूले जा रहे चार्ज के विरोध में चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। चंडीगढ़ कांग्रेस और इसका यूथ विंग रेलवे स्टेशन के बाहर नारेबाजी कर रही है। बीते 28 नवंबर को चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस CYC ने रेलवे स्टेशन के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। अब चंडीगढ़ कांग्रेस की लड़ाई भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई है। रेलवे पार्किंग रेट और फ्री व्हीकल एंट्री की समय सीमा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। यूथ कांग्रेस प्रधान मनोज लुबाना ने कहा कि प्रशासन लोगों को लूटने में लगा है। पर्ची के डर से लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए बच्चों समेत पैदल पहुंच रहे हैं। लुबाना ने कहा कि लोगों के लिए रेलवे स्टेशन में व्हीकल की एंट्री सिर्फ 6 मिनट के लिए फ्री की गई है, जो काफी कम समय है। यह समय गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलने के लिए काफी कम है। इसके बाद सीधा ₹200 चार्ज वसूला जा रहा है। हमारा चंडीगढ़ कांग्रेस और चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, वो रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ पर जो एक गुंडा अवैध टैक्स लिया जा रहा है, पार्किंग फी और पिक एंड ड्रॉप फी के नाम पर लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। ₹200 लोगों से लिए जा रहे हैं, जो पहले ₹1000 थे, और जब चंडीगढ़ की जनता ने और हम जैसी पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज़ उठाई तो उसको ₹200 कर दिया, पर अभी भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा है। लोग चंडीगढ़ के अंदर जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, जो पैसेंजर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शायद रेलवे को एक गरीबों का साधन समझकर यहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगाना। आप यहाँ से आते हैं तो आपकी ₹30 की पर्ची कटती है और पिक एंड ड्रॉप की आपको पर्ची दी जाती है, और आप 10 मिनट आपको वेट करनी पड़ जाए तो आपका 50, 100 और 200 रुपये का यहाँ पे आपको हर्जाना लगा दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा न्याय है? मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जो कहती थी कि सबका विकास की बात करती थी, वो यहाँ पर इस तरीके से इनको परमिशन दे रही है रेलवे अथॉरिटीज़ को यहाँ पर डाका डालने की। हम चंडीगढ़ कांग्रेस के सभी लोग और यूथ कांग्रेस के हमारे नौजवान साथी इस धक्केशाही के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। परसों से युवा कांग्रेस ने यहाँ पर धरना लगाया हुआ था, आज हमारे चंडीगढ़ कांग्रेस के साथी भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और हमारा ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ के लोगों को राहत नहीं दी जाएगी। इस टाइमिंग को जो 6 मिनट की है बढ़ाकर आधा घंटा नहीं किया जाएगा, और जो रैशनलाइज नहीं किए जाएंगे रेट्स। आप पहले जब यहाँ पर नहीं थे पार्किंग, इतना अच्छा सिस्टम था, लोग आते थे निकलते थे, आप कोई सिस्टम बनाओ। लोगों से पैसे लेकर लूट कर कोई सिस्टम नहीं बनता, व्यवस्था को कायम करने के और भी तरीके होते हैं। तो इस अव्यवस्था के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ, इस डकैती के खिलाफ, इस सीनाजोरी के खिलाफ हम प्रदर्शन पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये नादिरशाही फरमान वापस नहीं आए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।